दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बात की जाए तो इलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये लोग बस दिखावे के अमीर हैं, एक्चुअल में जो सबसे अमीर लोग हैं वो तो लिस्ट में कभी आते ही नहीं है। आप जब भी सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखोगे तो आपको ये नाम तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिलीज और सऊदी अरेबिया के शेख या प्रिंस जो काफी अमीर हैं, उनके नाम हमें सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आज के वीडियो में हम आपको कुछ हट के बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो काफी अमीर देश कहे जाते हैं, लेकिन कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। ये देश अमीरी के मामले में भी काफी आगे हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक रईस लोग देखने को मिल जाएंगे जो सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के टॉप में शामिल इलोन मस्क और बिल गेट्स से ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं। बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि असल में इनके पास इलोन मस्क और जेफ बेजोस से भी ज्यादा पैसा है। अगर सच में ऐसा है तो फिर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में इनका नाम क्यों नहीं है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिलीज और सऊदी अरेबिया के शेख या प्रिंस जो काफी धनी लोग हैं, इसके बावजूद भी इन्हें टॉप 10 अमीर इंसानों की लिस्ट में तो दूर, टॉप 100 की लिस्ट में भी कहीं नाम नहीं है। इन लोगों के इतने अमीर होने के बाद भी अमीर लोगों की लिस्ट में इनका नाम क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अमीर लोगों की जो लिस्ट बनती है उसे आखिर बनाता कौन है। फोर्ब्स, बिजनेस इंसाइडर, ब्लूमबर्ग, ये दुनिया के कुछ नामी मैगजीन्स हैं जो इस लिस्ट को बनाने का काम करती है। वैसे तो तीनों मैगजीन्स के द्वारा जारी की गई लिस्ट लगभग एक जैसी ही होती है, लेकिन फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई लिस्ट को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन फोर्ब्स कैसे पता करती है कि कौन सबसे ज्यादा अमीर है? इतनी सटीक जानकारी आखिर फोर्ब्स लाती कहाँ से है? फोर्ब्स काफी समय से लिस्ट जारी करता आ रहा है। ऐसे में कई बार उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर फोर्ब्स इतनी सटीक जानकारी लाता कहाँ से है। इस सवाल पर फोर्ब्स के अधिकारी प्राइवेसी का हवाला देकर इस सवाल से हमेशा बच निकलते हैं। लेकिन 31 मार्च 2018 को फोर्ब्स की एक एडिटर कैरी ए डोलन के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। इस आर्टिकल में कैरी ने ये बताया कि फोर्ब्स में इंफॉर्मेशन किस तरह से हासिल की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी में शेख या प्रिंस या दुनिया में मौजूद और भी रॉयल फैमिलीज को इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता। चलिए अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि फोर्ब्स आखिर ये इंफॉर्मेशन लाता कहाँ से है। दरअसल कैरी बताती है कि दुनिया के कई बिलियनियर्स उनसे कोऑपरेट करते हैं और पूछने पर खुद ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। वहीं कुछ बिलियनियर्स ऐसे होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं और अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन फोर्ब्स को नहीं देते हैं। ऐसे में फोर्ब्स की एक 50 रिपोर्टर्स की टीम को उस बिलियनियर्स के टोटल नेटवर्थ का पता लगाने के लिए लगा दिया जाता है। 50 रिपोर्टर्स की ये टीम उस बिलियनियर के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेते हैं, साथ ही उसके बिजनेस की लेन देन और किसी भी तरह के बिजनेस डील पर नजर रखती है। हालांकि फोर्ब्स अपनी लिस्ट बनाने के लिए काफी मेहनत करती है, लेकिन किसी भी बिलियनियर के बारे में इस तरह जासूसी करके सटीक जानकारी पता करना काफी मुश्किल है, इसलिए फोर्ब्स की लिस्ट को पूरी तरह से सही कहना गलत होगा। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि फोर्ब्स की गलतियां लोगों के सामने आई है। इसके बावजूद भी आज लोग फोर्ब्स को ही सबसे भरोसेमंद बिजनेस मैगजीन मानते हैं। खैर, अब चलिए हम ये जानते हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट में रॉयल फैमिलीज और सऊदी के शेख या प्रिंस को जगह क्यों नहीं मिलती। आप सबसे पहले इस लिस्ट को देखिए जिसे फोर्ब्स ने 2023 में जारी किया है। जितने भी लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है वो सेल्फ मेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेल्फ मेड क्या होता है। सेल्फ मेड का मतलब है वैसे लोग जिन्होंने खुद अपने बलबूते पर अपने बिजनेस को खड़ा किया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी तो सेल्फ मेड लोगों में नहीं आते, क्योंकि वो तो अपने पिता के द्वारा किए गए बिजनेस को संभाल रहे हैं। देखिए, फोर्ब्स के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम आपको इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए एक अमीर आदमी है जिसका नाम अमीरों की लिस्ट में है और उसकी नेटवर्थ $10 बिलियन है, लेकिन अब वो व्यक्ति अपनी इस प्रॉपर्टी को दो बेटों में बराबर बराबर बांट देता है। मतलब उसका हर बेटा अब $5 बिलियन का मालिक है, लेकिन फोर्ब्स उस बिलियनियर के किसी भी बेटे को अपनी लिस्ट में जगह नहीं देता है, क्योंकि ये पैसा उन्होंने खुद नहीं कमाया है
बल्कि ये पैसा उनको विरासत में मिला है। लेकिन अगर कोई बेटा अपने 5 बिलियन डॉलर को बढ़ाकर 8 या 10 बिलियन डॉलर कर देता है तो फिर इसे फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इसी रूल के अनुसार मुकेश अंबानी को भी फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि सऊदी के किसी भी प्रिंस या शेख को शामिल नहीं किया जाता है। दरअसल सऊदी के प्रिंस और शेख लोगों के पास जो प्रॉपर्टी उन्हें विरासत में मिली होती है वो सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि वो पूरे परिवार की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एक वजह और है जिसकी वजह से इनको वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि सऊदी के लोगों का असली नेटवर्थ का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अपनी वेल्थ से जुड़ी जानकारियां पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। 2017 में सऊदी के एक रॉयल फैमिली के एक मेंबर अल वलीद बिन तलाल अल सऊद को 18 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी बताकर फोर्ब्स ने अपने टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में 7वें नंबर पर शामिल कर लिया। लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के बाद अल सऊद ने इस लिस्ट को पूरी तरह से गलत बता दिया। उनका कहना था कि उनकी नेटवर्थ जितनी फोर्ब्स वालों ने बताई है वो बहुत कम है, असल में मेरी नेटवर्थ इससे 10 गुना ज्यादा है। अपने लिस्ट में एक सऊदी के प्रिंस को शामिल करना फोर्ब्स को काफी भारी पड़ा और इसके कारण उसका काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद फोर्ब्स ने ये डिसाइड किया कि अब वे कभी किसी सऊदी के प्रिंस या शेख को अपनी लिस्ट में जगह नहीं देंगे। यही वजह है कि सऊदी के प्रिंस या शेख काफी अमीर होने के बावजूद भी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में उनका नाम देखने को नहीं मिलता है। आज भले ही हम इलोन मस्क, जेफ बेजोस जैसे लोगों को सबसे अमीर इंसान मानते हैं, लेकिन हो सकता है कोई शेख या प्रिंस इनसे भी ज्यादा अमीर हो। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।